लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जिन्होंने दीक्षा लिया है और फायदे हुए हैं बहुत सारे, हाथ ऊपर करो। अब है ताकत तो गिन के बताओ कितने हाथ ऊपर है। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं वो मूर्ख है। और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। माँ काली प्रकट होकर गदाधर को कहती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो, और तोतापुरी गुरु ने ही गदाधर को रामकृष्ण बनाया, और रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा नहीं वो असहाय तो जरूर है। मृत्यु के बाद धन सहायता नहीं करेगा, सत्ता सहायता नहीं करेगी, चतुराई सहायता नहीं करेगी। धन सत्ता चतुराई का तो धनी था, यश का तो धनी था राजा नृग। मरने के बाद किरकिट हो गया, अनाथ हो गया। राजा अज मिथिला नरेश थे, मरने के बाद सांप अजगर की योनि में बंट गए। काशी में एक बड़ा किसान था, कबीर जी ने एक दो बार उसको संकेत भी किया सत्संग में, वो नहीं आए। फिर कबीर ने ध्यान लगा कर देखा वो कहाँ गया बुढ़ा, मरकर बैल हुआ है, अपने खेत में ही जुत रहा है। कबीर जी ने साखी बनाई, बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन, तेली का कोलू बना। फिर कसाई घर ली, उस पर नजर रखी कि बूढ़ा क्या क्या बैल बनकर कहाँ तक पहुँचता है। तो आखिर कसाई ने खरीदार बिस्मिल्लाह की, चमड़ा उतार के नगारे वाले को बेच दिया और टुकड़ा टुकड़ा करके बैल को मीट के रूप में बेच दिया। कबीर जी को दया आई और साखी बनी है कबीर जी की। बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन, हल जोतने की ताकत खींचने की गई तो फिर गाड़ी में लगा दी। तेली के कोलू बने, गाड़ी खींचने की ताकत गई तो फिर एक घाणी वाले को दे दिया। फिर कसाई घर दी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी बच गए, तिस पे पड़ रही है नगार पे डंडे पड़ रहे। बड़ा सेठ भी था कबीर जी, उसको सत्संग में लाना चाहते, बोले महाराज आऊंगा आऊंगा आऊंगा। फिर कबीर जी ने एक दो चक्कर और लगा तो बोले मेरे सिवा कोई मिलता नहीं क्या, मेरे पीछे की लग गया हो आप। कबीर जी ने चुप कर दी। फिर भी संत के हृदय में आए तो कई वर्षों के बाद देखा वो बूढ़ा, अरे बोले वो तो मर गया कभी का। तो कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा कि वो मरते समय खेत का क्या होगा, कौन जोतेगा कौन करेगा। चिंतन हुआ तो बैल बन के वो ज्योति में लगा है, गाड़ी खींच रहा है। जिन बेटों के लिए आया है क्या वो बेटे डंडा मारे थार मरे धनी धार। एक बार देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, उनको बाजार से गुजरे थे पीपल के पेड़ के नीचे। पहले के जमाने में ये कूलर वूलर नहीं थे, ठंडे मटके पीपल के पेड़ के नीचे और अच्छे शीतल होते। पीपल की बड़ की हवा सुखदायी होती, नीम की पीपल की आंवले की बड़ की तुलसी की। तो तुमरु नाम के चेले के साथ नारद जी ने वहां पानी पिया। चलते चलते तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए गर्मी में, जरा ठंड, खड़े खड़े पानी नहीं पीना, नहीं तो पैर की पिन्नियों में दर्द होने लगेगा 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र में। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं पैर की पिन्नियों में दर्द से नहीं बच सकेंगे। पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े भोजन भी नहीं करना चाहिए। पानी पी के बैठे तनिक, इतने में बकरों का टोला लेकर एक युवक गया और एक बकरा किसी के दुकान पे चढ़ गया और मठ खाने लग गया। दुकान वाला पास में चला गया था, उसने देखा बकरा, ओ भगा और बकरे का कान पकड़ा धड़ा के दो। सारे मठ मुंह से बाहर निकल गए। नारद जी गंभीर हो गए, प्राणी की पीड़ा होती है ना, वैष्णव संत पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। जरा फिर सोचा कि ये इतने सारे बकरे थे, यही क्यों ऊपर चढ़ा और इसी ने क्यों मार खाया, जरूर कर्म की गति होगी।
नारद जी ने जरा सा ध्यान लगाया तो देखा कि ओहो ये सगाल चंद सेठ खुद ही बकरा बनकर आया है, दुकान का मालिक सेठ, जाना माना दुकान है इसलिए चढ़ गया। ओ बकरे की मुंडी पकड़ के, कान पकड़ के कसाई को बोला कि तेरा बाप मेरे खा गया है मोठ, इसको हलाल करो तो मुंडी मेरे घर आनी चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बोले सेठ जी मैं भेज दूंगा, इसका हलाल जब होगा इसकी मुंडी आपके पास पहुंचे। जिस मुंडी ने मोठ खाए वो मुंडी कट के बच्चे के घर आए, इसके घर मुंडी क्यों आएगी? वो ध्यान करके देखा तो देखा कि यही पहले छोटा बच्चा था तो बाप का सिर खपाया, सिर खाया, अब बाप बकरा बनकर आया तो सचमुच में उसका सिर खाए। कबीर जी ये अपना नारद जी बहुत हंसे तो तुमुरु ने पूछा गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ये क्यों हंस रहे, पहले तो आप उदास हो गए थे बकरे की पिटाई, फिर क्यों हंसे? बोले ये माया का रहस्य जानकर हंसा हूं कि कैसी भगवान की कर्म बंधन लीला है, ममता बेटे से ममता, दुकान तो बेटे को दिया लेकिन अब सारी जिंदगी इतना परिश्रम किया उस दुकान के, एक मुट्ठी मठ खाए तो दो तो घोसे लगे और गर्दन कटे और बेटा उसको हलाल करेगा। निगुरे लोगों का ऐसा हो जाता है, इसलिए निगुरे नहीं रहना भाईसान, कृपा करना अपने ऊपर, हमारे ऊपर कृपा कर लेना, निगुरे होकर संसार से नहीं जाना। सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खपे खपे खपे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अरे शरीर भी अपना टिकने वाला नहीं यार, ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ, चैतना शक्ति को जगाओ।